वीके न्यूज राष्ट्र के नाम रसगांव। ओके, आज हम लोग रसगांव मध्य प्रदेश में अभी बपतिस्मा देने जा रहा है। कितना था? 22 लोग आज बपतिस्मा ले रहा है। नमस्कार, मैं अमर राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। आपने धर्मांतरण के बहुत से मामले सुने होंगे जिसमें ये हिंदुओं को पहले अपना धर्म छुपाकर फंसाया जाता है, फिर उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है, या फिर उनको लालच देकर जो गरीब लोग होते हैं हिंदू उनको पकड़ते हैं, फिर यहाँ पर उनको लालच देते हैं, फिर हिंदुओं का धर्मांतरण करा दिया जाता है। ऐसे बहुत से मामले सामने आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ पर पूरे गाँव का धर्मांतरण करा दिया गया, उसके बाद हिंदू संगठन गुस्से में आया और सबकी घर वापसी कराई गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक गांव का वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस गांव में जिन 22 लोगों का धर्मांतरण कर ईसाई बना दिया गया था, उनकी घर वापसी हो गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं दूसरा आरोपी फरार है। फरार आरोपी मार्सन लाय अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है। आपको बता दें, धर्मांतरण का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में स्थानीय भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कार्रवाई की मांग की थी। इस संबंध में खरगोन के एसपी को लिखा था कि पत्र लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि जिस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण कराया जा रहा लोगों का, उसमें उनकी मदद की जाए। आपको बता दें, खरगोन पुलिस ने 24 नवंबर 2021 को इन गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। खरगोन के सांसद पटेल ने बातचीत में बताया है कि ग्रामीणों को धर्मांतरण कराया गया था। उन्होंने डीजीपी और एसपी से कार्रवाई की मांग भी की थी। इस मामले में अब तक धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा चुका है। धर्मांतरण की ये घटना 3 नवंबर की बताई जा रही है। थाना उन पुलिस के रोड़ी द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक उस गांव में मालापुर ग्रामीण विजय बडोल, उसकी बुआ मंजुला और पूरे सहयोग से अरुणाचल प्रदेश के ईसाई मिशनरी के मार्सन तय लोगों का धर्मांतरण कराया गया था। 2 बच्चों की फ्री पढ़ाई और सबका लालच दिया गया था। मतलब साफ है कि पूरे गाँव को, जितने भी परिवार रहते थे 22 से 30, सबको लालच दिया गया कि आपको जमीन मिलेगी, आपको बच्चों का सही पढ़ाया जाएगा। ये लालच देकर उनका धर्मांतर करा दिया गया, लेकिन उसके बाद इन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद ये लोग परेशान हुए, फिर हिंदू संगठन लोगों ने इन गांव वालों की पूरी घर वापसी कराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।